बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बनारस की मशहूर टमाटर की चाट, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है और ये सिर्फ बनारस में ही खाने को मिलती है। जो लोग बनारस गए होंगे उन लोग को पता होगा और खाई भी होगी शायद, तो ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो मैंने भी ये चाट खाई है और इसीलिए मैं आज आपके साथ इस चाट की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। और व्यूअर्स, रमज़ान भी आ रहे हैं तो अफ्तारी में इस तरह की अलग अलग तरह की चीज़ें बनाएं और खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, अब हम सबसे पहले इसके लिए बनाएंगे, इसमें किसी भी तरह की मीठी चटनी नहीं पड़ती है, इसमें एक तरह का शक्कर का शीरा पड़ता है। तो कुछ लोग इसमें गुलाब जामुन का शीरा भी डालते हैं। तो अब हम करेंगे गैस को ऑन। इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी, 1 कप से थोड़ा कम शक्कर हम इसमें ले लेंगे। तो जो भी मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है वो प्लीज मुझे 1 टाइम सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, और जो पहले से देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 1/2 चम्मच हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर। अब हम इसे शीरा में से इसका तैयार कर लेते हैं। तो यही इसकी स्पेशल चटनी होती है। हाँ, तो ये चटनी 5 से 10 मिनट तक के मैंने पकाई है, हाई लो फ्लेम पे मैंने पकाई है। तो इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस हमें इतना ही रखना है कि जिस तरह से उंगली में ले और इस तरह से हल्का सा चिपचिपापन हो तो समझ लेंगे कि ये चटनी रेडी है। तो चलिए, हम इस चटनी को एक साइड में रख देते हैं और आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने ये पैन ले लिया है और फ्लेम मेरी ऑन है। तो अब हम इसमें डालेंगे, इस चाट की खासियत है कि ये जो है देसी घी में ही बनती है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर बनाएं, नहीं तो आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये चाट सरसों के ऑयल में नहीं बनती है। तो 3 से 4 चम्मच हम लेंगे इसमें देसी घी, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो घी को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। घी ये गरम हो गया है, अब हम फ्लेम को लो पे कर देंगे और इधर मेरी चटनी भी ठंडी हो रही है। अब हम इसमें ये काजू, मैंने 5 से 6 काजू ले लिए हैं, इसको हल्का सा बस हमें इसमें फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है, हल्का सा गुलाबी कलर आ जाए बस। तो चलिए, हम इसे साइड में रख देते हैं, इसका 3 कलर आ चुका है। तो ये कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें फिर से एक बार डालेंगे 4 चम्मच देसी घी। घी को हम गर्म होने देंगे। देखिए, घी अब गर्म हो चुका है, हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम। और इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो है कद्दूकस करी हुई अदरक, मेरे पास 1 टेबल स्पून है। तो ये हम इसमें डाल देंगे, इससे चाट का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और हम अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची, तो मिर्च तो चाट की जान होती है। जब तक के चाट में मिर्च ज़्यादा ना हो चटपटा पर तो चाट अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी सी और हम इसमें डाल देंगे।
जीरा, और इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो जीरा तो पहले डालना था मुझे, लेकिन मैं उस टाइम भूल गई थी। तो आप जब बनाए तो पहले जीरा डालें, उसके बाद अदरक और हरी मिर्च डालें, और फिर उसे इस तरह से हमें भून लेना है। जब ये हल्का सा पिंक हो जाएगा जीरा, तो हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो अब हम इसमें डाल देते हैं, ये मेरे पास आधा किलो टमाटर है, इस तरह से काट के मैंने रख लिया है। तो ये हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो कुछ स्पाइसेस हम इसमें डालेंगे, तो वो ये है, हाफ टीस्पून हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून हम डालेंगे हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे तीखी खटाई, जिसे हम चूर भी बोलते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि टमाटर में तो तीखी खटाई की क्या ज़रूरत, तो तीखी खटाई डालने से इसमें जो टमाटर की खटास है उसका बैलेंस बन जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये। और हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून भर के जीरा पाउडर, 1 टीस्पून भर के काला नमक, काला नमक तो चाट में बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वन टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो इसमें मसाले मैंने सारे डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये बहुत ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, और इसी में हमको टमाटर को ढक के गला लेना है। तो अब हम इसे ढक देते हैं। हाँ, तो ये टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि ये एकदम इसी में मैश हो चुके हैं। तो इसमें धीरे धीरे तेल ऊपर आ रहा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू। तो ये मेरे पास 1.5 पाव आलू है, इसे हमने बॉयल करके रख लिया है। तो अब हम इसको मैश करेंगे हल्का हल्का हाथ से, पूरा हमें इसको बहुत बारीक नहीं करना है, बस हाथ से हमें इसे तोड़ लेना है। तो देखिए, हम इसे इस तरह से हाथ से तोड़ लेंगे। मोटा मोटा सा हम इसे तोड़ लेते हैं। तो अब हम इन सभी आलूओं को इसमें ऐड कर देते हैं, और इसे एक बार फिर हम अच्छी तरह से चलाएंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये चाट पूरी तरह से रेडी होने के बाद बहुत ज़्यादा ही ये टेस्टी लगती है। तो आप भी मेरी तरह बनाएं, और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी चाट कैसी बनी। तो देखिए, ये हम इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, ये 1/2 चम्मच हम इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे। हम इसमें ऐड करेंगे हरी धनिया की कुछ कटी हुई पत्तियां, हाँ। तो अब ये चाट अच्छी तरह से भून के रेडी हो चुकी है।
तो अब हम फ्लेम को कर देते हैं बंद और अब हम इसे सर्व करके दिखाते हैं। तो अब हम इसे इस तरह से प्यालियों में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला डाल देते हैं, हल्का सा डालेंगे क्योंकि इसमें अंदर बहुत ही मसाले कैदे से पड़े हुए हैं। डालेंगे अब हम ये मीठी चटनी। तो देखिए कितने मजेदार सी, ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी ही खाने में भी लाजवाब है ये टमाटर की चाट, और बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है अभी से। तो अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, थोड़ी सी महीन कटी हुई प्याज डालेंगे, ऑमलेट कट कटी हुई, और अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे ये मेरे पास सेव और पापड़ी वाली दाल मोठ है, तो हम इसको इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। वैसे तो बनारस की चाट में नमक पारे ही पड़ते हैं, तो वो मेरे पास इस टाइम थे नहीं, तो हम इसमें इसको ऐड करेंगे। आप ये भी डाल सकते हैं इसमें। और आखिर में हम सबसे मजेदार चीज इसमें डालेंगे, ये जो मेरे पास देसी घी में जो काजू मैंने फ्राई करके रखे हुए थे, तो सबसे लास्ट में हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें हम देसी घी ऊपर से थोड़ा और डाल देंगे। तो देखा आपने कितनी मजेदार सी बनारस की चटपटी और क्रंची चाट बनके रेडी हो चुकी है। तो प्लीज जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर मेरी रेसिपी आज की आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली एक मजेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।